हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये हमारा एमसीक्यूज है, सीरीज है, ऑप्टिकल फाइबर का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपके जो फीडबैक्स मिलते हैं, जो कमेंट्स मिलते हैं और जो भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मोटिवेशंस मिलते हैं। इसके अलावा मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं, तो वो करते रहिए, प्लीज़ करते रहिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस इज मैक्सिमम ऑफ फॉर द फाइबर ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम, क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम, क्रिटिकल एंगल इज जीरो, द क्रिटिकल एंगल इज नेगेटिव। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अगर आपको याद हो तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट क्विज में भी हमारा था, एमसीक्यू में ये सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता है, यस द क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एंगल इन विच एक्सटर्नल रे मे स्ट्राइक द एयर ग्लास इंटरफेस एंड स्टिल प्रोपोगेट डाउन द फाइबर। एक्सेप्टेंस कोण हाफ एंगल, एक्सेप्टेंस कोण क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी है ऑप्टिकल फाइबर तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सारे एमसीक्यूज बहुत कंसेप्ट बेस्ड हैं। तो ऑप्शन इज एक्सेप्टेंस कोण हाफ एंगल, या कह लीजिए एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंगल क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसलिए एक्सेप्टेंस कोण हाफ एंगल। कोण का जो एंगल है वो 2 थीटा होता है, और थीटा मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, आई मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। तो उसका हाफ क्या हो जाएगा कोण का, एक्सेप्टेंस एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन केबल लाइट लॉस। सो ऑप्शन आर रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो केबल में लाइट लॉस का कारण नहीं होता है? तो सही समझ रहे हैं कि क्या इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन इज रिफ्लेक्शन, यस। रिफ्लेक्शन लॉस का कारण नहीं होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, स्कैटर्ड होती है, डिस्पर्जन ब्रॉडनिंग होती है सिग्नल की, तो लाइट लॉस के कारण होते हैं, बट रिफ्लेक्शन इज नॉट द फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी मोड स्टैप इंडेक्स फाइबर हैज लार्जर कोर डायमीटर एंड लार्जर न्यूमेरिकल अपर्चर, लार्जर कोर डायमीटर स्मॉलर न्यूमेरिकल अपर्चर, स्मॉलर कोर डायमीटर लार्जर न्यूमेरिकल अपर्चर, स्मॉलर कोर डायमीटर एंड स्मॉलर न्यूमेरिकल अपर्चर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपको याद होगा कि मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, कितनी वेव्स उसमें प्रोपोगेट करती हैं, तो आप इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन समझ पा रहे होंगे। और यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा लार्जर कोर डायमीटर एंड लार्जर न्यूमेरिकल अपर्चर। क्योंकि मल्टी मोड फाइबर है तो लार्जर न्यूमेरिकल अपर्चर होगा, और ऑब्वियस है मल्टी मोड फाइबर है तो कोर डायमीटर ज्यादा होगी, तभी वो मल्टी मोड होगा। अगर कोर डायमीटर कम होगी तो वो मल्टी मोड डायमीटर या मल्टी मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर नहीं हो सकता है, फिर सिंगल मोड हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ टिपिकल स्ट्रक्चर्ड ग्लास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर शोज अ वेरी एज अ वेरिएशन ऑफ एटेन्यूएशन इन द रेंज ऑफ 1.2 to 90 डेसिबल पर किलोमीटर एट द वेवलेंथ ऑफ 0.69 माइक्रोमीटर, 3.2 to 30 डेसिबल पर किलोमीटर एट द वेवलेंथ ऑफ 0.59 माइक्रोमीटर, 2.6 to 50 डेसिबल पर किलोमीटर एट द वेवलेंथ ऑफ 0.85 माइक्रोमीटर, 1.6 to 60 डेसिबल पर किलोमीटर एट द वेवलेंथ ऑफ 0.90 माइक्रोमीटर। हाँ, हमने इसका वीडियो नहीं डाला है वेरिएशंस ऑफ एटोनेशंस की पावर्स का, बट ये बेसिक्स के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि किस रेंज के लिए क्या लॉसेस हो सकते हैं। हमने लॉसेस के वीडियो नहीं डाले हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका 2.6 to 50 डेसिबल पर किलोमीटर एट द वेवलेंथ ऑफ 0.85 माइक्रोमीटर। और एक्सप्लेनेशन है इसकी, अ मल्टी मोड स्टैप इंडेक्स फाइबर शोज एटोनेशन वेरिएशन इन द रेंज ऑफ 2.6 to 50 डेसिबल किलोमीटर। क्यों पहला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा? द वाइड रेंज वेरिएशन इन एटोनेशन इज ड्यू टू लार्ज डिफरेंस
बोथ विद इन एंड बिटवीन द ओवरऑल प्रोपोगेशन मैथड, दैट इज मेल्टिंग एंड डिपोजिशन। तो प्रिपेशन मैथड हमने ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एटोनेशन में वेरिएशन हो जाता है जब हम फॉर्म करते हैं ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज अ वेबल बैंडविड्थ ऑफ 2 to 30 MHz किलोमीटर, 6 to 50 MHz किलोमीटर, 10 to 40 MHz किलोमीटर, 8 to 40 MHz किलोमीटर। सो ऑप्शंस मैं अभी बताऊंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वैल्यूज के हैं और इस तरीके के न्यूमेरिकल या इस तरीके की थ्योरी हमने नहीं पढ़ी है सिलेबस में, बट मुझे ये क्वेश्चंस मिले और ऑप्टिकल फाइबर के थे तो मुझे लगा एटलीस्ट ये तो डिस्कस किए ही जाएं। तो एक्सप्लेनेशन है, या पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है 6 to 50 MHz किलोमीटर, दीज फाइबर विद बैंडविड्थ आर बेस्ट सुटेड फॉर शॉर्ट और लिमिटेड बैंडविड्थ एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम मटेरियल विथ लोअर प्योरिटी, हाई प्योरिटी देन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, नो इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी एज द सेम एज मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात हो रही है। अगर आपको याद हो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कैसे होते हैं और किस तरीके से बने होते हैं तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है यस बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, हायर प्योरिटी देन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। बहुत प्योर मटेरियल के फॉर्म होते हैं बट यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर के सेंटर में बहुत ज़्यादा होता है और जैसे जैसे क्लैडिंग की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं, प्योर एटम इसलिए लेते हैं या प्योर मटेरियल इसलिए लेते हैं टू रिड्यूस फाइबर लॉसेज देन फाइबर हैव मोर। अगर फाइबर लॉसेज ज़्यादा होंगे अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में, अगर आपको याद हो जो मैंने लॉसेस पढ़ाए थे जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में लॉसेस कम होता है। तो लॉसेस कम कब होगा, जब हाई प्योरिटी मटेरियल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर आर बेटर देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, सेम एज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, लेस देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड नेग्लिजिबल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? यस बेटर देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, बहुत अच्छा होता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, बट एक्सपेंसिव होता है और मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए नॉर्मली हम स्टेप इंडेक्स फाइबर यूज कर लेते हैं मल्टी मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हैज ओवरऑल बफर जैकेट सेम एज मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर बट हैव कोर डायमीटर लार्जर देन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, स्मॉलर देन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, सेम एज मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, स्मॉलर देन सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्योंकि हम मल्टी मोड की बात कर रहे हैं तो मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स को मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स से ही कंपेयर करेंगे तो मल्टी मोड वाला ही ऑप्शन होगा। तो ऑब्वियस है ये सी ऑप्शन तो हमारा यहाँ से पहले से कैंसिल आउट हो जा रहा है। फिर हमें पता है कि मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर का जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो बहुत स्मॉल होता है क्योंकि जो लाइट है वो हेलिकल पाथ में ट्रेवल करती है। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो बी ऑप्शन है, स्मॉलर को डायमीटर होता है देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से। सो यहाँ पे हम ये लेक्चर को एंड करते हैं, एमसीक्यूज को एंड करते हैं। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। कमेंट फीडबैक जो भी आपको करना है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए, मोटिवेट करिए मुझे इस वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।